साधन जितने उपासना के मार्ग के संसार में प्रकट हैं, वो केवल इसीलिए कि जीव का भगवान से अपनापन हो जाए। इसीलिए आचार्यों ने भगवत सेवा की प्रतिष्ठा की। और किसी साधन से भगवान में ममत्व नहीं होता और किसी साधन से भगवान में अपनत्व नहीं होता। जब आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा पधराते हैं तो तत्काल उसी घड़ी से जो सेवा पधराने से पूर्व केवल ठाकुर जी थे, वो सेवा पधराने के बाद हमारे ठाकुर जी हो जाते हैं। सेवा तुरंत जीव को प्रभु का अपनत्व प्रदान करती है, प्रभु से ममत्व देती है। इसीलिए सेवा श्री कृष्ण की युगल की परिचर्या के समान और कोई धर्म नहीं है। वृंदावन के आचार्यों ने केवल एक इसी का आधार लिया है, केवल इसी का आश्रय लिया है। भोर भय ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। सेवा इससे उत्कृष्ट और कोई धर्म नहीं है। सेवा करने वाले का जीवन, सेवा करने वाले का तन मन, सेवा करने वाले की वृत्तियां प्रभु दिव्य कर देते हैं। सेवा करने वाले की वृत्ति प्रभु से तदाकार हो जाती है, सेवा करने वाला प्रभु से एकमेक हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब कोई भगवान को एक पोशाक निवेदन करता है, एक वस्त्र निवेदन करता है ना, देखो जीव भगवान का स्मरण करता है तो जीव की मुक्ति हो जाती है, कर्म बंधन से जीव छूट जाता है। और क्या सुख मिलता है जब भगवान जीव का स्मरण करें। आप भगवान को एक वस्त्र निवेदन करते हैं, वो जब जब वस्त्र प्रभु धारण करते हैं तब तब निवेदन करने वाले को प्रभु स्मरण करते हैं। ये सेवा की महिमा है। प्रभु को वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वस्तु के माध्यम से जीव का जो भाव प्रभु तक पहुंचता है, प्रभु उसको अंगीकार कर लेते हैं। समय थोड़ा है, मुझे श्री महाप्रभु जी की कथा भी पूरा करना है। एक छोटा सा बड़ा सुंदर भाव स्मरण आ रहा है। अच्छा, 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो चिंता तो नहीं ना। एक बड़े पुष्टि मार्गीय वैष्णव हुए, परम भक्त त्रिपुर दास जी उनका नाम, बड़े समृद्ध थे, संपन्न, राजा के नौकर थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और उनका जीवन का ये नियम था कि प्रतिवर्ष वो इन्हीं जाड़े के दिनों में श्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा सुंदर रेशमी वस्त्र जिसमें रुई भरी रहती थी, श्रीनाथ जी को पहनने में जो ओढ़ने में सुख दे, ऐसा सुंदर वस्त्र, उत्तम से उत्तम उस पर सुंदर कार्य कराकर और श्रीनाथ जी की सेवा में भेजा करते थे। एक बार क्या हुआ, दैवयोग से, प्रारब्ध से राजा रुष्ट हो गया, धन संपत्ति सब राजा ने छीन ली, पास में कुछ भी नहीं रहा। नियत समय आया तो मंदिर से वो वैष्णव आए सेवा लेने के लिए, अब पास में कुछ भी नहीं है और घर से वैष्णवों को खाली कैसे लौटा दूं, रोने लगे। चारों ओर घर में दृष्टिपात किया, चांदी की एक दवात रखी थी सो उठाई, बाजार में उसको बेचा, थोड़ा सा जो धन उससे मिला उसको देकर एक मोटा वस्त्र, शायद खादी का सा वस्त्र वो रहा होगा, उसका एक थान खरीदा। छाती से चिपटाए घर आ रहे हैं, नैनों से झरझर प्रेमाश्रु बहते हैं और वो नैनों के गिरते अश्रु उस वस्त्र को भिगोए चले जा रहे हैं कि ये वस्त्र तो श्रीनाथ जी के किसी सेवक के योग्य भी नहीं, किस मुख से ये वस्त्र अपने हाथ से दूं। ये भक्त का स्वभाव होता है। आप और मैं क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, हमको ना मंदिर के लिए वस्त्र दिखा दो, ऐसा वस्त्र जो छूने लायक भी नहीं होता वो हम भगवान के लिए खरीद कर आते हैं। कई बार किसी के घर जाता हूं तो बोले, पूछता हूं कि इनकी सेवा कौन करता है, तो सेठानी जी कहती है मैं करती हूं, मैं इनकी सेवक हूं। तो सेठानी जी के हाथ में तो 20 लाख की चूड़ी होती है, ठाकुर जी ने 20 रुपया का कंगन पहना होता है, ये काहे की सेवा है। सेवक का ये स्वभाव होना चाहिए, सेवक का ये सिद्धांत होना चाहिए कि अपने स्वामी से एक ठौर नीचे बैठे,
जो वस्तु स्वामी उपयोग में लाए उससे एक स्तर नीचे की वस्तु स्वयं उपयोग करे, ये सेवक का धर्म है। तो ये वस्त्र तो किसी भी रूप से किसी भी दृष्टि से श्रीनाथ जी के योग्य नहीं है, पर खाली ना लौट आऊं। और इसी द्वंद में घर पहुंचे, वैष्णव प्रतीक्षा कर रहे थे वस्त्र की। त्रिपुरदास जी की दशा देखकर समझ गए कि इस बार इनके पास साधन संपत्ति नहीं है, तो बड़े भारी मन से वो वस्त्र का थान उनको दिया और कहने लगे कि ये वस्त्र निश्चित रूप से श्रीनाथ जी के किसी सेवक के योग्य भी नहीं, आप गोसाई जी को तो बिल्कुल मत दीजिएगा, आप केवल मेरे द्वार से खाली न रह जाएं, खाली न लौट जाएं, केवल इस बात की, इस भाव की पूर्ति के लिए ये वस्त्र आपको देता हूं। बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि वस्त्र किसी भी रूप से प्रभु के योग्य नहीं, किसी प्रकार इसको मंदिर की चौखट तक आप पहुंचा दीजिएगा। शपथ दे दी कि गोसाई जी को इस वस्त्र के बारे में आप कुछ मत बताना। वहां जब समय आया, सर्दी के दिन आए, एक बार रात्रि का समय गोसाई जी श्री श्रीनाथ जी को शयन करा रहे थे और ठाकुर जी के दांत किटकिटाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मुझे तो बहुत जाड़ो लग रहो। श्री गोसाई जी ने एक रजाई और ओढ़ा दी। बोले, बाबा जाड़ो तो नहीं जा रो, बहुत जाड़ो लग रहो, कछु जतन करो। गोसाई जी ने अंगीठी नेक ठाकुर जी के निकट रख दी, पर ठाकुर जी का जाड़ा अभी भी नहीं गया। गोसाई जी समझ गए कि प्रेम प्रवीण श्रीनाथ जी आज कोई लीला करना चाह रहे हैं। एक एक करके जितने सेवक जो प्रतिवर्ष रजाई और दगला श्रीनाथ जी की सेवा में भेजा करते थे, एक एक रजाई श्री ठाकुर जी की सेवा में आ गई, लेकिन ठाकुर जी का जाड़ा नहीं गया। क्या करें? अब गोसाई जी को भी चिंता हुई कि मैं कैसा सेवक हूं जो अपने प्रभु का, अपने स्वामी का कष्ट ही दूर नहीं कर पा रहा। सेवा प्रभु के सुख के लिए होती है, ये नहीं कि हमारी जो रुचि है हमने सोई बनाया और प्रभु को पवाया। मैं देखता हूं एकादशी के दिन लोग अपने ठाकुर जी को भी फलाहार का ही भोग लगाते हैं। अगर शास्त्र की दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो जहां पर भगवान की प्रतिष्ठा हो, भगवत मूर्ति की प्रतिष्ठा हो, वहां 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग आवश्यक होता है। अगर 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग न निवेदन किया जाए देवता को, तो प्राण प्रतिष्ठा भंग हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और दूसरा, एकादशी तुम्हारी है, ठाकुर जी की थोड़ी है। लेकिन जीव की चोरी क्या है, वो ये जानता है कि ठाकुर जी ने तो भोग लगाना नहीं, ये तो सब हमारा नाटक है, हमारा टिटिम्मा है, फाल तो हम ही ने पाना है, तो जो हमने पाना है सोई हम बनाएंगे, सोई हम पाएंगे। ये सेवा नहीं है, ये सेवा का दंभ है। सेवा अनुकूलेण कृष्णानुशीलनम, जो श्री कृष्ण के अनुकूल हो। अब मान लो श्री कृष्ण का एकादशी के दिन खीर खाने का मन कर जाए तो, और तुम कहोगे कि ये एकादशी है तो एकादशी बड़ी हो गई, श्री कृष्ण छोटे हो गए। बिहारी जी के परम भक्त लाला हरगुलाल जी थे, जिन्होंने बिहारी जी की खूब सेवा की। वो क्या करते थे, एकादशी के दिन बिहारी जी का जो सारा थाल होता था भोग का, वो संतों में बंटवा देते थे। हमारे मदन टेर पे नवेली शरण बाबा रहते थे, बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। तो एक बार उन्होंने थाल भिजवाने का प्रयत्न किया, कोई था नहीं, तो स्वयं थाल देने मदन टेर चले आए। हमारे राधा वल्लभी महात्माओं की तो एकादशी होती नहीं, हम तो सब दिन प्रसाद पाते हैं। एक बार एक पंडित जी आए काशी से मेरे यहां, बोले महाराज जी मैंने 3 साल से अन्न नहीं पाया। तो मैंने कहा मैंने 7 साल से नहीं पाया। तो बोले तो आप क्या पाते हैं? मैंने कहा हम प्रसाद पाते हैं। प्रसाद अन्न नहीं होता, ठाकुर जी को भोग लग जाने के बाद वस्तु अन्न नहीं रहती, प्रसाद हो जाती है, भगवत स्वरूप हो जाती है। और यदि भोग लगने के बाद भी आप उसको रोटी कहते हैं तो आप महापातक करते हैं। 4 अपराध ऐसे हैं शास्त्र में जो हरिनाम जपने से भी नहीं छूटते। प्रसाद को अन्न समझना, भगवान के चरणामृत को जल समझना, तुलसी को वृक्ष समझना और अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझना, ये 4 अपराध ऐसे हैं जो हरिनाम जपने से भी नहीं छूटते। अब एक बात बताओ कि एकादशी के दिन रुचि हो जाए श्री कृष्ण की एक खीर पाने की, तो तुम श्री कृष्ण के सेवक हो या एकादशी के सेवक हो? देखो मैं एकादशी का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं व्रत का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी भी कोई व्रत या कोई उपवास करके भगवान के प्रसाद का निरादर नहीं करना। प्रसाद कोई दे तो उसका कण मात्र आप जरूर पा लेना, प्रसाद पाने से कोई व्रत भंग नहीं होता। प्रसाद का त्याग करने से तो आप पाप के भागीदार हो जाएंगे, प्रसाद का अनादर करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो आपको पातक लगेगा। लेकिन प्रसाद भी देखना प्रभु का हो,
ये नहीं कि शीतला माता को भोग लगाकर तुम पालो और तुमको महाराज जी ने कहा था प्रसाद पा लेना। मैं केवल श्री कृष्ण को अर्पित नैवेद्य की बात कर रहा हूं, जो भोग प्रभु को निवेदन किया गया हो, भगवान को निवेदन किया गया। तो नवेली शरण बाबा को लाला हरगुलाल जी प्रसाद देने आ गए, बोले अरे सेठ जी साथ में बैठो, साथ साथ में पाएंगे। अब तो लाला जी की सिट्टी पिट्टी गुम, इतने बड़े संत को मना भी कैसे करें, बड़े बड़े महात्मा उनका दर्शन करने आते थे, ऐसे भजनानंदी महापुरुष थे। तो सेठ जी आनाकानी करने लगे, नवेली शरण बाबा ने बांह पकड़ी बैठाया, बोले महाराज आप एक बात बताओ, किसके भक्त हो? बोले बिहारी जी के। तो प्रसाद किसने आरोगा? बोले बिहारी जी ने। पाते क्यों नहीं? बोले आज एकादशी है। अरे खसम बिहारी जी है या एकादशी है? मन ना भय दस बीस, मन एक है जो श्याम सुंदर को दे दिया, अनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम। और दूसरी एक और भी बात मैं साथ में कहूंगा कि प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता, कण मात्र पाने के लिए होता है। प्रसाद उतना पाओ जो हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। खैर गोसाई जी को चिंता हुई कि मैं कैसा सेवक हूं जो ठाकुर जी का कष्ट दूर नहीं कर पा रहा हूं। एकदम से स्मरण आया कि भंडारी से बुलाकर पूछा, बोले सब वैष्णवों की रजाई ठाकुर जी की सेवा में आ गई? बोले हां आ गई। त्रिपुरदास की रजाई कहां है? अब उस व्यक्ति को त्रिपुरदास जी ने शपथ दी थी कि आप इस वस्त्र के बारे में गोसाई जी से कुछ नहीं निवेदन करना। गोसाई जी ने अपनी शपथ दे दी कि ठाकुर जी की साक्षी में खड़े हो बताओ, क्योंकि गोसाई जी जानते थे कि त्रिपुरदास जी परम वैष्णव हैं, उनको सर्वकाल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय है, वो कहीं भी रहे इनके प्रेम में छके रहते हैं। अब गोसाई जी की जब आज्ञा हो गई, श्री ठाकुर जी सन्मुख हैं तो सेवक कैसे झूठ बोलता। बोले इस बार उनकी दशा कुछ ठीक नहीं थी, धन उनके पास था नहीं, तो एक ऐसा वस्त्र जो सेवा में आने योग्य नहीं था सो मुझे दिया था। वो वस्त्र कहाँ है? वो तो जहां सब सामान रखा जाता है उस सामान के नीचे हमने बिछा दिया, भंडार में है। तुरंत जाओ, शीघ्र से अतिशीघ्र वो वस्त्र यहां लेकर आओ। मैला कुचैला वस्त्र हो गया था, मैल जम गई थी, किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के श्री मंदिर तक लाने योग्य वो वस्त्र नहीं था, लेकिन सेवक लाया, गोसाई जी की आज्ञा थी। गोसाई जी ने हाथ में वस्त्र लिया, गोसाई जी ने जैसे ही हाथ में वस्त्र लिया, गोसाई जी का रोम रोम पुलकित हो गया, बिना कारण। नहीं जानते कि इस वस्त्र के पीछे रहस्य क्या है। वस्त्र को थोड़ा नाक के निकट लेकर आए, सूंघा कि कहीं इससे दुर्गंध तो नहीं आ रही, मैला कुचैला वस्त्र है। और गोसाई जी को वही सुगंध आई जो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की तुलसी से आती है। गोसाई जी के नैनों से प्रेमाश्रु झरने लगे, वो प्रेम प्रवीण श्री ठाकुर जी की लीला समझ गए। श्रीनाथ जी के मंदिर में आज भी ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर में ही दर्जी रहता है, क्योंकि बड़े लाडले ठाकुर हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है पूरा श्रृंगार हो जाता है ठाकुर जी का, और जब श्री ठाकुर जी को दर्पण दिखाया जाता है तो ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं, माने कि ये श्रृंगार भाया नहीं, पुनः श्रृंगार किया जाता है। इसीलिए श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए, वल्लभ कुल के लिए कहा जाता है, वल्लभ कुल की बलिहारी, जब पूछो जब तैयारी। आप कहां जाएंगे श्रीनाथ जी दर्शन करने, आप पूछेंगे कब दर्शन होंगे, तो आवाज आएगी बस तैयारी हो रही है दर्शन। दर्शन बड़ी थोड़ी देर होता है, तैयारी बहुत देर तक होती है। वल्लभाचार्य महाप्रभु और गोसाई विट्ठल नाथ जी ने कोटि प्राण न्योछावर करके श्रीनाथ जी की सेवा की। भक्तमाल तो उनके लिए कहती है कलयुग में द्वापर कियो, कि कलयुग में द्वापर का सा युग उपस्थित कर दिया। वो मैला कुचैला वस्त्र दर्जी को दिया गया, श्रीनाथ जी का अंगरखा उसी समय तैयार कराया गया। श्रीनाथ जी जहां सब रजाइयां ओढ़ी थी, गोसाई जी ने वही वस्त्र लाकर सब रजाइयों के ऊपर डाल दिया। श्रीनाथ जी ने कहा बाबा ये वस्त्र मुझे बहुत प्रिय लगता है, बाकी सब रजाई हटा दो, बाकी सब वस्त्र हटा दो, मैं केवल यही वस्त्र धारण करना चाहता हूं। श्रीनाथ जी ने हृदय से ऐसा उस वस्त्र को लगाया, श्रीनाथ जी के नैन भर आए। त्रिपुरदास जी के हृदय के प्रेम का विचार करके जब बाजार से वो थान खरीद कर लाए थे, और जिन नैनों से झरते प्रेम रंग से वो वस्त्र रंगा था, श्रीनाथ जी कैसे अस्वीकार कर देते। अरे रंच मात्र किसी का प्रेम होता है तो प्रभु अपने आप को बेच देते हैं, उनका स्वभाव है। और जैसे हम अपने स्वभाव के वशीभूत होते हैं ना, ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु भी अपने स्वभाव के वशीभूत हैं। सेवा से उत्कृष्ट और कोई धर्म नहीं, सेवा पक्की हुंडी है,
जो लेता है उसको पूरे पूरे दाम मिलते हैं, यहां भी और वहां भी।